चलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का देखते हैं, बाकी कमेंट बाद में, पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। सिर्फ वर्किंग नोट समझाएंगे, जनरल एंट्री तो अब आप कर सकते हो, तो वर्किंग नोट भी अगर आपको समझा दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मिल जाएगा आपको ऑनर्स प्रोग्राम दोनों में ही मिल जाएगा लगभग। क्वेश्चन नंबर 5, डाउट किसका? शिवम का डाउट पेंडिंग है क्या? शिवम, कैश फ्लो का अभी करवाते हैं। पूरा क्वेश्चन शो नहीं हो रहा अब, ठीक है? चलिए कहता था, पेड अप कैपिटल ऑफ डोनी लिमिटेड अमाउंट 5 लाख, कंसिस्टिंग 5,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक। यानी कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है और वो टोटल है 5 लाख रुपए का। पहला पॉइंट कहता है, ड्यू टू लॉस कंपनी कंटिन्यूसली डायरेक्ट कंपनी प्रिपेयर द इनकम रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। आगे की लाइन, इन लियू, लियू का मतलब होता है छोड़ना, इन लियू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग, बोलता है कि भैया मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, यानी शेयर नहीं लूंगा, शेयर होल्डर टू रिसीव, और ये अपना ये छोड़ने के बदले उसे क्या मिलेगा? कहता है भैया हमें फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दे दो इक्वल टू 2/5 देयर होल्डिंग। यानी जो जो इससे मिलेगा, इस 5 लाख के बदले नंबर 1 मिलेगा इसको नए इक्विटी शेयर। न्यू इक्विटी शेयर 5 लाख इंटू 2/5, यानी 2 लाख रुपए का तो इसको मिलेगा इसके बदले इक्विटी शेयर। तो समझो 5 लाख के बदले तो इसको 2 लाख का सामान मिल ही चुका है। अगला कहता है, और मिलेगा इसको 10% प्रेफरेंस शेयर 25% ऑफ अबव न्यू इक्विटी शेयर। यानी दूसरा क्या मिलेगा इसको? 10%, लेकिन कितना, किसका 10% प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, लेकिन कितने परसेंट? 25%। 25% किसका? जो इक्विटी शेयर दिया है इसकी बात कर रहा है। तो यानी 2 लाख का पचास हजार, तो इसको देखो 2.5 लाख का सामान मिल चुका है। थर्ड कहता है, 502nd डिबेंचर 100 रुपए का एक, हम इसे डिबेंचर भी देंगे। थर्ड पॉइंट, 512% सेकेंड डिबेंचर, सेकेंड डिबेंचर। सर सेकेंड डिबेंचर क्या होता है? नाम रख रखा है बस। तो ये भी हो गए कितने का? 500 × 100, 50,000। तो कितने का सामान मिल चुका है? 3 लाख का। एंड इशू 5,000 10% फर्स्ट डिबेंचर 100 रुपए ईच वॉज मेड अलॉटेड पेमेंट द सेम वॉज रिसीव। ये दूसरे पॉइंट की बात आ गई, पहली पॉइंट खत्म कर ली हमने। तो पहले पॉइंट में देखा जाए तो इसको सामान कितने का मिला? 3 लाख का। और इसने जो शेयर होल्डर था, इस शेयर होल्डर ने कितने रुपए के राइट्स को छोड़ दिए? तो जवाब है सर, इसने 5 लाख रुपए के राइट्स छोड़े, जिसके बदले उसने कितने रिसीव कर लिए? 3 लाख। तो यहां पे फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया यहां पे? जीसी कितने का? 2 लाख रुपए का यहां पे बेनिफिट हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा? 2 लाख का फायदा हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं सिंपल सिंगल करूं
तो मैं क्या करूंगा, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर कितने परसेंट है, 12% डिबेंचर, और टू रिकंस्ट्रक्शन। ये पूरे 5 लाख, 2 लाख, 50 हजार, 50 हजार और 2 लाख। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन जाता है, बच्चे इसको थोड़ा सा अंडर समझने में दिक्कत हो जाती है। अब कहता है भैया मैंने एक फ्रेश इशू किया है फर्स्ट डिबेंचर और पेमेंट मिल गया, तो इसमें ना तो फायदा ना तो नुकसान, नई डिबेंचर इशू किया है। तो सेकंड पॉइंट की अगर मैं एंट्री करूं तो सेकंड पॉइंट का क्या होगा, बैंक, सिंपल कर रहा हूं, टू 10% फर्स्ट डिबेंचर, ठीक है, अगला एसेट्स रिड्यूस एज, कहता है एज रिड्यूस हो गया, गुडविल इतने से कम हो गया, कहता है गुडविल फ्रॉम 3 लाख टू, यानी अब गुडविल 1,50,000 नुकसान हो गया हमारा, मशीनरी 1 लाख से हो गया 75,000, तो यहां पे भी 25,000 का नुकसान है, लीज होल्ड प्रेमिसिस भी नुकसान है। तो इस नुकसान के सिंपल जर्नल एंट्री कर सकते हो, पास जर्नल एंट्री अबव द मेंशन स्कीम रिकंस्ट्रक्शन प्रिपेयर कैपिटल आपका रिकॉग्नाइजेशन अकाउंट, यानी कैपिटल रिडक्शन बोल लो रिकंस्ट्रक्शन बोल लो सबका मतलब एक ही है, और इसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। बताइए इसमें किसी को डाउट, बताइए किसी को डाउट, पांच लाख का ये डिबेंचर आया है, इस एंट्री का किसी और एंट्री से लेना देना है नहीं, यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, इन सारे एसेट्स के अंदर लॉस हुआ है। अगर बोलते हो तो मैं कर देता हूं थर्ड पॉइंट की एंट्री, क्या करूंगा मैं, रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल टू मशीनरी टू लीज होल्ड लैंड, बस। तो ये कितने का, 1.5 लाख, ये 75 का हो गया है, तो 25 और ये 1,25 का हो गया है, तो ये भी तो 2 लाख रुपए का, ये एंट्री है फाइनल, आप बुक में चेक कर लीजिए उसको। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, द पेड अप कैपिटल डोनी अमाउंट, मतलब इसका एक कैपिटल था जिसकी कीमत 5 लाख रुपए था, इसने बोला मैं ये 5 लाख का कैपिटल छोड़ दूंगा, बदले में इन लीव ऑफ प्रेजेंट होल्डिंग, बदले में उसको इतने सारी चीजें चाहिए, 1, 2, 3, बोल रहा है मैं 5 लाख का अपना कैपिटल तब छोड़ दूंगा, तो बदले में मुझे ये 3 चीजें चाहिए, 1, 2, 3। अब साथ के साथ देखा जाए ये 3 चीजें जो इसको चाहिए, तो पहली चीजें क्या चाहिए इसको, न्यू इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा डिबेंचर, टोटल अमाउंट में से 3 लाख रुपए का सामान चाहिए, जिसकी मैंने यहां एंट्री कर दी है। पहला पॉइंट देखिए, हर बच्चे को क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, 5,000 है, हाँ 50, 5,000 इंटू 100 कर देंगे, 5 लाख हो जाएगा। पहले ये वाला देखिए, इसकी जर्नल एंट्री ये है, ये वाला क्लियर है, यस। सेकंड पार्ट में कहता है एन इशू, ये पार्ट खत्म, एन इशू 5,000, 10% फर्स्ट डिबेंचर, ये फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर का नाम रख देते हैं, 100 रुपए का एक है, मेड अलॉट एंड पेमेंट द सेम रिसीव कैश फोर्थ विथ, मतलब हमने इसको अलॉट भी किया और उसके साथ साथ हमें पैसा भी मिल गया, ये 5,000, तो 5,000 का सिंपल हमें पैसा मिल गया।
थर्ड में कहता है कि हमारे एसेट्स कुछ रिड्यूस हुए, गुडविल 3 लाख 150 हो गया, मतलब 3 से 1.5 हो गया तो 1.5 लाख का नुकसान। मशीनरी 1 से 75 हो गया तो 25 का नुकसान। लीज होल्ड 1.5 लाख से 1.25 हो गया तो 25 का नुकसान। कौन सा? हाँ, ये 5 लाख हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है?